गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। एक्चुअली क्या है कि घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मैगी की, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को जाना है कहाँ मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ चंडीगढ़ तक, तो इतना मेरे को पता है। कुछ गाड़ी वगैरह देखनी थी, उसके बाद पता नहीं क्या प्लान है क्या नहीं। तो कह रहे कि आपको हमारे साथ चलना है, फिर मैंने सोचा कि यार घर में आया मैं फैमिली के साथ घूमूं, कह रहे कि नहीं यार तू अकेला रहता है आज हमारे साथ को टाइम दे। और वैसे भी मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूं, तो मेरे को ना एक मतलब एक तरह से सपोर्ट करते रहते हैं, तो फिर मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि अगर बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथ चलो तो मैं भी चलता हूं। वैसे भी मैं उनके साथ आता जाता रहता हूं। और फिलहाल कंचन क्या है, किचन में कर रही है मैगी की तैयारी, जो कि आपको इसके ब्लॉग में गर्मा गर्म मैगी मिल जाएगी देखने के लिए। नहीं मैं अभी नहीं, वो आ गए, उन्होंने ड्राइवर भेज दिया, वो नीचे आ रहा है, 2 मिनट लगेंगे। और गाइस नहीं तो मैं अपनी गाड़ी भी ले जाता, लेकिन मेरी गाड़ी का माइनर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उसको गैराज में खड़ा कर दिया है। वहां पे वो भी 2-4-5-10 दिन तक सही हो जाएगी। और फिलहाल कंचन है मम्मी के पास, और कंचन और मम्मी भी घूमने जा रहे हैं, जो कि आपको इनके व्लॉग में पता चल जाएगा। और मम्मी भी जाएंगे, आउटिंग हो जाएगी, मेरे को भी इनके साथ ही जाना था, बट क्या है कि मैं अभी कंचन का प्यार, कंचन पता क्या सोचा मैंने, बिना नहाए तभी बना दी फटाफट। मैंने पता क्या सोचा, वो तो ठीक है चलो थैंक यू, सोच रहा हूँ कैबिनेट वगैरह बनवा दें हम ये तो ना किचन में, है ना बॉटम कलर के, ठीक है बनाने पड़ेंगे, है ना। चले और फिलहाल गाइस फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं नीचे। और जे मैगी ना कंचन ने बना दी है, बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसी मैगी आपको खानी है ना तो आप कंचन की ब्लॉग में ना उसकी रेसिपी देख लेना कैसे बनाई। गुड मॉर्निंग अमीन, कैसे हो? मामू जा रहा है, मामू को नहीं लेके जाएगा आज तो प्लांटे। हाँ जी फिलहाल मैं ना मैगी खा ली, मैगी बहुत बढ़िया थी कंचन, थैंक यू आपने सुबह सुबह मैगी खिला दी। और फिलहाल मैं दिल्ली से भी हो गया 50-60-100 किलोमीटर के बीच बीच में, मैं भी शाम को वापस आ जाऊँ मैं, और नहीं हूँ तो कल अर्ली मॉर्निंग को आ जाऊंगा, नहीं तो शाम तक आ जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को भी ना घर से ज्यादा दूर रहना पसंद नहीं है, फैमिली के साथ रहूँ पता नहीं, मम्मी भी बीमार रहते हैं कभी ना कभार, पता नहीं ऐसे होते हैं ना घर पे रहूँ ज्यादा देर, मैं बाहर नहीं रह सकता। और मैं गाइस आपको बता दूँ मैंने आज नया बाइक भी ले लिया अपना, इसको सेट कर लिया मैंने, कंचन सही है ना मेरी, ठीक है पुराने वाला भी अच्छा लगता था, नहीं वो ना थोड़ा ऐसे ऑनलाइन मंगाया, ये H&M का है, अच्छा है ना। हाँ ये वैसे पता कितने का था, 2200 का, ब्लैक फ्राइडे सेल था 50% ऑफ, सारा 1300 का मिल गया, बढ़िया हो गया है ना। और ये सही भी लग रहा, अब क्या है कि थोड़ा मैं इसको डाल सकता हूँ, नहीं तो मेरे को खुद से ही ना शर्म आ रही थी उसको। ये मेरा बैग रेडी हो गया, पता जाना मेरे को यहाँ पे होता है लेकिन बैग में अपना पूरा पैक करके रखता हूँ, मेरा भी यही हाल है। ओहो गाइस जा रहा है, चार सौ रुपए पूरी गया, मेरे को भी जब कहीं जाना होता है ना मुझे लगता है ये भी सामान उठा लूं ये भी उठा लूं और सामान हो जाता है इतना वहां पे, चाहे यूज हो ना हो। अब भी मेरा यही हाल है, 4-5 बैग ले आई हूं मैं, ऐसे होता है ना पति नहीं, हम दोनों की थिंक ही ऐसी, मैं भी जुतियां अब देख ले 3-4 जोड़े उठा दो मान ली ना, हमने इतना ज्यादा पूछो ऐसे लगता है कि पता नहीं किस चीज की नीड पड़ जानी वहां पे। मामू जा रहे हैं, मामू जा रहे हैं, प्लांट पे जा रहे हैं, प्लांट में आपका वेलकम करेंगे, प्लांट ऐसे झूठ बोल के मत जाओ, प्लांट में वेलकम होगा, ये ढूंढेगा फिर आपको। नहीं मैं शायद पता नहीं कहां जा रहा हूं, मेरे को भी नहीं बता रहा मैं कहां जा रहा हूं, चलो चलो मम्मी बाय बाय, ठीक है ध्यान से घूमना, शरारत मत करियो। गाइस आज मौसम बहुत जबरदस्त हो रखा है, बारिश होने वाली है, बादल हो रखे हैं, बादल में क्या होता है सर्दियों में ना ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन क्या है जब बारिश हो जाएगी ना फिर उसके बाद ठंड होगी, लेकिन बारिश होने के बाद जो ठंड होती है ना बहुत बढ़िया ठंड होती है, आप ना बीमार नहीं होते, वैसी ठंड होती है ना सूखी ठंड, उसमें बीमार हो जाते हैं खांसी कफ वगैरह ये पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है जो काम, जब बारिश होगी ना उसके बाद ठंड तो होगी, आई थिंक धुंध भी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो फ्रेश वाली। हमने सेंकी जी ने भेज दिया भैया को मुझे लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी, और भाजी गाड़ी टूर पर लग दी टूर पे चल रहे कहते मनाली होने तो हो किते नहीं नहीं मनाली ठंड बहुत है, ता गए बर्फ पई हुई, बर्फ तो क्या बस नाल ही है पता नहीं, सेंकी भाई ने मैं तो कर सेंकी भाई ने बुला लिया कहते भाई ले अच्छा अच्छा क्या बात है ये सही है ना अपने आप बंद हो रही। तो गाइस फिलहाल अभी हम पहुंच गए किया के शोरूम में, एक्चुअली क्या था कि ना हमें जाना है कसौली, मेरे को भी बताया क्योंकि ना कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड इनको काम है वहाँ पे, एक मीटिंग वगैरह है, तो ना हिमांशु की गाड़ी को कुछ अपनी सर्विस वगैरह करवानी थी इधर, तब तक हम वो करवा ले, साथ ही साथ नई गाड़ियाँ भी देख लें यहाँ पे। पता क्या हुआ,
मेरी हियरिंग थी जब हिमांशु की डिलीवरी थी ना यहाँ पे सेट हाउस की, मेरे को ना आज बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। वो टेंशन किस लिए मेरी ना वो जो टेस्ट रिपोर्ट थे ना वो सारी आ गई है। मम्मी की तो सही है लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। टेंशन मैं घूमने आया हूँ बट एक टेंशन से हो रहा कि यार इतनी ज़्यादा खराब कैसे। एक्चुअली पता क्या खाना पीना मेरा तो ज़्यादा, मेरे को ना घी और मक्खन वगैरह कम करना पड़ा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं इधर, हमारा रूम ना इस तरफ था। मेरा ब्रेकफास्ट और अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और ना कल परसों मैंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाए थे, मेरे को ना बहुत हो रहा है। एक बार कैसे होता है कि अब आप ऐसे रह रहे हो ना तो आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन बहुत से लोगों को कमेंट पे आए थे उनको एक बार ना अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाओ। मैंने करवाया तो काफ़ी बैड रिपोर्ट्स आई मेरी, सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल हो, मेरे को टेंशन हो गई। उन्होंने बोला कि आपको इन इन चीज़ों को कंट्रोल करना है खाने पीने के लिए। पहले क्या होता है मैं घी वगैरह खा लेता था, तो आज मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँ, बड़ा ध्यान से चीज़ें खा रहा हूँ, मैं ऑयली चीज़ें खाना बंद कर दूँगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी मेरी कम हो रखी थी उसको भी बढ़ाऊँगा, और जल्दी मैं डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवा के कंसल्ट करूँगा कि आगे क्या है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि लाइबिलिटीज कुछ ज़्यादा है और कुछ ऐसे वैसे कुछ प्रॉब्लम हो। टेंशन तो वही जाती है ना, मेरा कल आया हूँ मैं यहाँ से, सारी टेंशन ही टेंशन हो रखी है मेरे को यार, कैसे होगा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो, कभी कुछ हो जाए। और मेरा ना पेन हो रहा है इधर, मेरे को एकदम से डर लग रहा है कहीं यहाँ हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि जो चीज़ें बड़ी हुई है ना मेरी तो उनमें चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है आपको। चलिए वो बात सब अच्छा करेंगे। और कुछ मम्मी की रिपोर्ट थी वो तो नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो मेरा ये वाला ट्रिप था ना इनके साथ, सारा टेंशन में निकला, रात भी नींद नहीं आई मेरे को। ऐसे होता ना जब तक आपको कुछ पता नहीं होता तो आप निश्चिंत होते हो, जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ये चीज़ें डिटेक्ट हुई है तो फिर आपको ना एक एक चम्मच खाते वक्त भी आप सोचते हो, फिर मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ें मैंने गलत खाई और मैंने एक्सरसाइज अपनी कम कर दी, वॉक भी नहीं कर रहा था, और ये सारी चीज़ें होती क्यों, स्ट्रेस की वजह से हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ, टेंशन तो हो जाती है। योगा बड़ा ही होगा, पूरी एनर्जी के साथ आया था मैं ट्रिप में, खूब एंजॉय करूँगा। बट जैसे ये चीज़ें मेरे को गाड़ी में पता चली, रिपोर्ट सुनी, मैंने इनसे डिस्कस भी करके बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं हमें, तो मैं एकदम से घबरा गया। अच्छे मम्मी है, ये है, मैं हूँ, अभी तो बहुत कुछ है, तो बोला फिर मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया, कुछ नहीं होता, डॉक्टर से कंसल्ट करो अच्छे से और अपना स्ट्रेस टेंशन तो हो जाती है, और एक्सरसाइज भी करो, हो जाएगा मेंटेन जल्दी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रुका होता, हो गया भैया थैंक यू। तो मैंने दो परांठा लिए विदाउट ऑयल और घी, गैस गर्म है, वो लीवर में भी इन्फेक्शन बताया है। फाइनली जाने का टाइम आ गया, तो अभी चलते हैं फिर आएंगे दोबारा, वो दोबारा मीटिंग होगी। तो गाइस फिलहाल आ चुका हूँ, मम्मी बैठे हुए मंदिर में, मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और कंचन है ये इधर कपड़ों को प्रेस कर रही है, नहीं चल घूमा है फिर हाँ। कैसा रहा आपका? बढ़िया, मेरा भी बढ़िया रहा, टेंशन बढ़ गई मेरे को, रिपोर्ट आ गई मम्मी की, मम्मी की बढ़िया आई रिपोर्ट, तेरी? मेरी आई खराब। क्या? मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हाँ। ते ट्रिगर्स एक होता कि ट्रिगर साइड कुछ ऐसे होता है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा,
ट्रिग्लिसराइड कुछ वो बड़े हुए हैं, यूरिक एसिड बड़ा हुआ है और ब्लड भी ज्यादा है 16 mg काफी थिक हो जाता है ना, तो फिर इसको निकलवाना पड़ता है। नहीं, ब्लड तो डोनेट कर दूंगा, बट ये जो दूसरे होते हैं ना जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स वगैरह, यही होता ना प्रॉपर ना, इससे क्या होता है कि ना मतलब कि हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा होते हैं। पतला रखो ना खाना अपना, उसी हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा ना अभी। मेरे को तला तुला वैसे तो हम घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का तो खाते नहीं। नहीं घर का खाते हैं हम, कुछ बाहर का थोड़ी ना खाते। और कभी कभार क्या होता है कि मैं ना घी वगैरह और मक्खन खा ले तो वो थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। इतनी ठंड है बट इस बेटे को ठंड नहीं लग रही। बेटा ठंड है, पानी बन रहा है तेरे को। नहीं बेटा बीमार हो जाओगे। जक्कू आया था आज इसको नहीं समझ आ रहा एक्चुअली, ये पानी से मस्त हो रहा है। बच्चों को नहीं होती सर्दी गर्मी, है ना, इसको काफी देर से बुला रहे हैं अंदर आ जा, बट ये अपनी ही मस्ती में है। और गाइस मेरे को कंचन बता रही है, जो हमारे घर में आते नहीं होते करेक्टर प्ले करते होते यक्कू वाला, है ना, और वो आए हुए थे कल, कह रहे कि हम आएंगे और मेरे को भी पूछ रहे होंगे, तो इन्होंने बताया कि वो बाहर गया हुआ है, तो कह रहे कल मैं आऊंगा चाय वगैरह पीऊंगा, मेरे को भी अच्छा लगता है। और गाइस मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूँ, मेरे को थोड़ी सी बहुत ज्यादा टेंशन होगी क्योंकि मैंने पहले भी कभी ऐसे टेस्ट नहीं करवाए थे। फुल बॉडी चेकअप करवाया था और करवा भी लेना चाहिए हम सभी को, ताकि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है पता चल जाता है। होता क्या कि ना, वैसे ना मेरे को पहले भी किसी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, जब मैं बोलता हूँ ना मेरे को सांस चढ़ती है हल्की सी, तो शायद यही रीजन है, है ना, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जल्दी इस टेक केयर करेंगे और अपने आप को सही कर लेंगे। और गाइस एक चीज और थी कि मैं ना आपको टेस्ट रिपोर्ट बता देता हूँ, है ना, मेरे को बताना इनमें क्या क्या चीजों का परहेज करना। फिलहाल कॉफी दी है, मैं ऐसे चाय वगैरह, देखो मिल्क प्रोडक्ट तो मैं छोड़ दूंगा, दूध दही खा सकता हूँ, मक्खन घी ये छोड़ दूंगा, कम खाऊंगा, है ना, ऐसे नहीं छोड़ सकता बट कम खाऊंगा जैसे जितना खाता था। मेरा वर्कआउट कम था, वर्कआउट रखना चाहिए था, है ना, बट मैं सैर वगैरह अब करा करूंगा और डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करूंगा। और थोड़ा सा मेरे को बहम भी है, मेरे को कल मैं सोच रहा हूँ किसी और लैब से मैं अपने दोबारा से टेस्ट करवा लूँ, और बाकी मम्मी के भी हो गए, मम्मी को भी आई बाई हॉस्पिटल लेके जाना है। और मेरे को बताना कि मैं क्या क्या चीज़ें खा सकता हूँ, यूरिक एसिड भी आया है मेरे को, कोलेस्ट्रॉल भी आया, और तो खून भी मेरा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी थिक है, और काफ़ी मेरे को इन चीज़ों को ना अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं आपको ना टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ पहले अपनी ना। तो गाइस ये थी मेरी रिपोर्ट, और इसमें मेरा हीमोग्लोबिन आ रहा है अपना 16.4, ये भी ज़्यादा है मेरे पास, आरबीसी अकाउंट भी ओबियसली ज़्यादा ही आएगा। और इसमें मेरे को ये बताया है अपना, गाइस मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि अगर आपको किसी को पता है मेरे को ना कमेंट्स करना कि क्या क्या करना चाहिए। ESR मेरा आ रहा है 19, ये 15 तक चाहिए, और उससे क्या कमेंट पढ़ेंगे, और मैं क्या चीज़ें खा सकता हूँ क्या नहीं खा सकता हूँ थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत आप बता देना। जैसे मम्मी अभी मेरे को कॉफ़ी रख गए कि आज ये मैं पी सकता हूँ, और लीवर में भी इन्फेक्शन आया काफ़ी मेरे, और शुगर मेरा सही है 93। ये मैंने खाली पेट करवाया था, ये कोलेस्ट्रॉल मेरे है 320, और ये है मेरे ट्रिग्लिसराइड्स, ये है 298, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा है। अच्छा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ज़्यादा आ रही है। और ये क्या आ रहा है, लीवर फंक्शनिंग, ये आ रहा है मेरा 1.3, और लीवर में भी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मैं इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और यूरिक एसिड आ रहा है मेरा 9.80। ओवरऑल जो मेरी रिपोर्ट है बहुत ही बुरी आई है, जिसको मैं दिखाना भी नहीं चाहता था, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बहुत सी चीज़ें ना मैं खाता हूँ, आप लोग देखते हो कि हेल्दी है हम कुछ, बट क्या होता है कि बंदा ना अंदर क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता, इसलिए हमें ये टेस्ट ना रैंडमली करवा भी लेनी चाहिए 4-5-6 महीने बाद, ताकि हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही है हमें टाइमली पता चल जाए, और हम उन चीज़ों के ऊपर एक अच्छे से कंट्रोल बना रखे और अच्छे से चेकअप करवा के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके टाइमली। तो पहले मैं कल बहुत ज़्यादा डर गया था, फिर मम्मी ने आके दिलासा दिया, कोई बात नहीं, मेरे को भी था, कोई ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें हो जाती है मैनेज, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और गाइस मैंने इसलिए ये बोला कि ना कि आप मेरे को ना कमेंट करना बताना, है ना, जिसको पता होगा इसके बारे में क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस मेरे को लेनी, क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है, मेरे को डिटेल में कमेंट्स में बता देना, इंस्टाग्राम पर बता देना, ताकि मैं उन चीज़ों को अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूँ आज से ही, और जल्दी मैं डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर तो फोकस करूँगा उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होगी मेरे ऊपर, बाकी जो मेडिसिन वगैरह उनको लगानी होगी लगा देंगे 1-2 महीने के लिए जितना भी टाइम लगेगा ना, उसके बाद बाकी तो अपने वर्कआउट पे फोकस करेंगे, खान पीन पे ध्यान रखेंगे। घी हम खा लेते थे लेकिन मैं बाहर का कुछ ज़्यादा नहीं खाता, बहुत कम खाता था, लेकिन उसको भी अवॉइड करूँगा, है ना, मोमोज वगैरह नहीं खाया करूँगा, और परौंठे वगैरह भी अवॉइड करूँगा, बिना ऑयल के खाया करूँगा, और बाकी तो घर की चीज़ें होती है इतनी बुरी नहीं होती, हेल्दी होता है खाना, बट क्या कह सकूँ बढ़ गया। मम्मी है, मम्मी का तो नॉर्मल आ रहा है, बट मम्मी की मेडिसिन भी चली गई है। अब एक ना एज होती है, मतलब कि 30 के बाद ना आप
का जो सिस्टम होता है ना बॉडी का, वो उन चीजों को इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपका वर्कआउट भी बहुत कम है, हमारे कुछ फिजिकल वर्कआउट तो कुछ है ही नहीं है, बैठ लेते हैं चले जाते हैं गाड़ी में, बस यही है। इन चीजों से ना ये बीमारियां लग जाती है। तो सुबह शाम की सैर भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, और खान पीन भी बहुत जरूरी है। चलिए गाइस फिलहाल बैठ कर कॉफी पीते हैं। आप भी कमेंट करना मेरे को क्या क्या चीजों को मेरे को कंट्रोल करना है, कैसे इन चीजों को हम सही कर सके। और फिलहाल मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बाय 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 बाय।